सो आज हम जीसी रायपुर का ब्लॉगिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, हम यहाँ पे इसका कैंपस में आ गए हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे तीन बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक बिल्डिंग आपको यहाँ पे, ये जो फर्स्ट वाला बिल्डिंग है ये IIT के लिए है। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, और ये भिलाई में है बट यहाँ पे रायपुर में ही अभी चल रहा है, इसका बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड बिल्डिंग है जो कि GC का है, और ये मेन ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, और यहाँ पे केवल ऑफिशियली वर्क होता है। और अगर GC की बात करें यहाँ पे पढ़ाई के लिए, तो ये बिल्डिंग है। हम एक एक करके धीरे से सारे बिल्डिंग को देखेंगे। तो चलिए हम सेकेंड बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, GC के मेन बिल्डिंग से, ब्लॉक ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम पहुँच गए ब्लॉक ए में, GC का मेन बिल्डिंग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, केवल यहाँ पे मेन ऑफिस है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन, और बस यही मेन है बस यहाँ पे, और ये लेखा साहब यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस है, बस इतना ही छोटा सा बिल्डिंग है ये। और इधर कर देखा जाए तो सहायक है। और अब हम चलते हैं सेकेंड बिल्डिंग की ओर। ये इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, और अब हम चलते हैं सेकेंड बिल्डिंग की ओर। ये हम पहुँच गए हैं सेकेंड बिल्डिंग GC का, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हम मेन बिल्डिंग में आ गए हैं, सेकेंड बिल्डिंग जो ही है, यहाँ पे ही सारा चीज़ चलता है, और एक एक करके हम फिर यहाँ पे देखेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी यहाँ GC रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए। ये हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी है बट शायद काम नहीं करता, बहुत दिनों से कोई यूज़ नहीं किया है। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड फ्लोर में अगर हम चलें तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो GC रायपुर को टक्कर देने वाला अभी तो कोई GC नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो आप GC बिलासपुर में भी ट्राई कर सकते हो, वो एक लेसन डिसीजन रहेगा आपके लिए। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है GC रायपुर में। और अगर आप देखना चाहते हो तो GC बिलासपुर का रैंक सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए अब डिसीजन आपके ऊपर है। मेरा काम है बस आपको दिखाना कि किस तरीके से किसका बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके का अमेजिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ, नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।